वेलकम टू राजस्थान। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज रोहन एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद रोहन। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जर्नी होने वाला है कलकत्ता टू जयपुर का, बट हम लोग डायरेक्टली कलकत्ता टू जयपुर का फ्लाइट नहीं ले रहे हैं। हम लोग थोड़ा बहुत बजट को संभालने के लिए, थोड़ा बहुत बजट ट्रिप करने के लिए हम लोग कलकत्ता टू दिल्ली का फ्लाइट ले रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली टू जयपुर हम लोग बाय रोड जाएंगे। तो कंप्लीट जर्नी देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग तीन जन इस ट्रिप में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, और मेरा खुद का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है विद फ्लाइट, सो डेफिनेटली आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सो एंजॉय कीजिए पूरे जर्नी को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारे एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। तो डेफिनेटली एंजॉय कीजिए एंड सी यू देयर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दमनल 3 पे आप सभी का स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए अपने स्थान पर बैठे रहें और अपने मोबाइल फोन्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद एयर एशिया। हाय गाइस, तो अभी हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं अभी। तो मतलब एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस था। तो 5 घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए जयपुर द पिंक सिटी, और जयपुर में एंट्री करते ही अगर हवा महल का ये नज़ारा मिले तो इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकता है। तो होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होकर हम लोग फाइनली निकल पड़े सिटी एक्सप्लोर के लिए। डे वन में हम लोगों का प्लान था सिटी के अंदर सारे लोकेशन को कवर करना, तो हमने स्टार्ट किए हवा महल से। हवा महल और द पैलेस ऑफ विंड्स, विच वॉज एक्चुअली बिल्ड इन 1799 बाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह, हु इज़ द ग्रैंड सन ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने ये जयपुर शहर बनाया था। हवा महल बनाने का मेन रीज़न वॉज टू अलाउ रॉयल लेडीज़ टू ऑब्जर्व एवरीडे लाइफ एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट। हवा महल को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली पहुँच गए जंतर मंतर। जंतर मंतर इज ए कलेक्शन ऑफ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हम पहुँच गए सिटी पैलेस। ये भी जयपुर सिटी बनने के टाइम ही बनाया गया था। करेंटली दिस इज द रेसिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली। यहाँ पर काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक चंद्र महल, दीवाने आम, दीवाने खास। यहाँ पे काफ़ी सारी गैलरीज और म्यूजियम भी है, बट वहाँ पे फोटोग्राफी नॉट अलाउड, लाइक सभा निवास, टेक्सटाइल गैलरी, आर्मर गैलरी, पेंटिंग गैलरी एट्सेट्रा।
सिटी पैलेस में कुछ प्रीमियम प्लेसेस भी है जिसके लिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो मैंने वो रिस्क उठाया, मैंने वो ज़्यादा पैसा दिया और उन प्लेसेस को एक्सप्लोर भी किया। इसके बाद हम लोग वापस चले गए हवा महल टू एंजॉय इट्स नाइट व्यू, एंड ऐसे ही खत्म हुआ हम लोग का फर्स्ट डे इन जयपुर। अगला दिन डे टू काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि मैंने काफी हेक्टिक प्लान बनाया था, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था इस एक दिन में। तो हमने स्टार्ट किया आमिर पैलेस से जो कि 7.9 किलोमीटर दूरी पे है फ्रॉम हवा महल। आमिर फोर्ट, which was originally built by Raja Man Singh and later made by Maharaja Savai Jai Singh. आमिर फोर्ट को जाना जाता है आमिर पैलेस के नाम से भी। पहले ये पैलेस was the residence of राजपूत महाराजास and their families. आमिर पैलेस पे आपको मुगल आर्किटेक्चर का काफी झलक देखने को मिलेगा। दिस पैलेस इज लेड आउट ऑन 4 levels ईच विद ए कोर्टयार्ड, जहां से देखने के लिए है दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, जय मंदिर। ये पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। यहाँ से आपको जयगढ़ फोर्ट का भी एक व्यू मिलेगा। वैसे आमिर पैलेस को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करने के चक्कर में हमने काफी टाइम लगा दिया। तो आमिर पैलेस से निकलने के बाद हम पहुंच गए जयगढ़ फोर्ट। This fort was built by Savai Jai Singh II to protect Amir Fort and its palace complex. This fort is also known as the Victory Fort. यहाँ का मेन अट्रैक्शन इज जयवाना कैनन, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स।
इसके बाद हम लोग जैगर फोर्ट से ही सनसेट का मजा लिए। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी डे टू में काफी कुछ बाकी है। इसके बाद हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट गए थे, उसके बाद चौकी धनी गए थे। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काफी हेक्टिक प्लान बनाया था मैंने, तो अभी भी वो कहानी है आपसे शेयर करने के लिए। इसके बाद डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, मतलब 9 डेज थे हम लोग राजस्थान में, मतलब काफी कुछ है शेयर करने के लिए। तो और भी सारे वीडियो आने वाला है एंड यू नो व्हाट टू डू, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी है घंटी बजा लेना जरूर, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड कोई भी अगर फीडबैक देना हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। अगर कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करने के लिए। एंड ऑल्सो नया साल है, 1 जनवरी है आज, तो उसी के दिन ये वीडियो लॉन्च हो रहा है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आशा करते कि 2022 काफी अच्छा जाए हम सबके लिए। एंड इसके बाद मेरा भी काफी कुछ प्लान है ट्रैवल के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो अच्छा सा प्लान बनेगा, अच्छा सा वीडियो आएगा, तो देखते हैं। काफी कुछ प्लान है तो होता है नहीं, तो सेफ रहिए 2022 में, काफी एंजॉय कीजिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।